वेलकम टू सिलेबस। की हाल चाल हूँ सारे? तो भाई मेरे हाल तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। पता है क्यों बढ़िया नहीं है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ऑफिस के बीच के टाइम में से सुमड़ी में से मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है बिकॉज़ इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो भाई ट्विटर पे बहुत ही बड़ा घमासान हो रहा था दो तीन दिन से। सारे FCs लड़ रहे थे, ठीक है, और न जाने दो दो तीन तीन पाँच पाँच फेसें बन रही थी। इतनी नेगेटिविटी आ गई थी ट्विटर पे। तो अब होना तो है कि भाई एक दिन तो बम फूटेगा ही फूटेगा, तो वो आज फूट गया। और लकीली मैं स्पेस में नहीं था, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त जो है वो हमेशा कॉर्डियल रहते हैं। मतलब कि मुझे इनवाइट लिंक भेजा था लेकिन मैं था भी नहीं। आई होप मुझे स्पीकर मिल जाता है, लेकिन वो उस बात को छोड़ते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं कि हुआ क्या। तो भाई जो FCs जो फैंडम्स की जो लड़ाइयाँ चल रही है ना ट्विटर पे, वो बहुत ही अलग लेवल पे बज रहे थे। सब अपने अपने ईगो को लेकर, अपने अपने मतलब जो भी एक दूसरे को पोक करना, टीज करना, TL पे बजना, ये सब हो रहा था। ठीक है, अभी आज एक रैंडम स्पेस रखी थी, ठीक है, तो उसमें FC की स्पेस थी। ठीक है, तो उसमें किसी ने KK को मैसेज करके बोला कि यहाँ पे सब अपसेट है किसी वजह से, एंड रीज़न नहीं बताया क्यों था, मतलब क्या चल रहा है वो रीज़न नहीं बताया। तो भाई करण गुंद्रा आ गए स्पेस में, और वो पता है कब आए? तभी आए जब वो पैप्स वाला वीडियो था ना, जब वो बात कर रहे तभी वो ऑलरेडी स्पेस में थे। हाँ, तो किसी ने उनको मैसेज कर दिया था कि भाई ये सब चल रहा है, ये सब FCs में लड़ाइयाँ हो रही, ये हो रही है। तो भाई पता है करण ने क्या कहा? करण ने कहा कि भाई बिग बॉस ख़त्म हो चुका है, मूव्ड ऑन। ठीक है, ये सब लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ जो कर रहे हो ना, इतने वेल्ले लोग हो तुम लोग, ये फालतू की लड़ाइयाँ कर रहे हो तुम लोग, बिग बॉस ख़त्म, सब आगे बढ़ो। ठीक है, तो फिर किसी ने बोला कि उनकी उनकी जो सोच है वो अभी बिग बॉस में ही अटक रही है। तो यार फिर करण ने कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, अभी आगे बढ़ो। जितने भी बिग बॉस में थे आज सारे लोग फाड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये फालतू की लड़ाइयाँ करना बंद करो, ये FCs के वॉर में देखता हूँ। ठीक है, देखो यार ये चीज़ें ना बहुत अफेक्ट कर जाती है हमारे आइडियल्स जो है ना, चाहे करण हो या तेजू हो, दोनों ही हो, तो ये चीज़ें जब उनके पास जाती है ना तो वो अफेक्ट होते हैं। आपको लगता है वैसे भी करण तो बहुत ही इमोशनल पर्सन है इन सब चीज़ों में, जब ये सब होता है ना तो यार उनको अफेक्ट होता है। वो जो पता है, मैं तीन दिन से मैं ट्विटर पे इतना ज़्यादा एक्टिव हुई नहीं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी आ गई है ना यार, क्या ही बोलो। मतलब सारे फैंडम एक दूसरे के लिए लड़ रहे, झगड़ रहे, बस यही चल रहा है। तो भाई KK ने आके सबकी क्लास लगा दी है, क्लास नहीं कहूँगा, ठीक है, एक होता है ना यार कि एक फीलिंग होती है कि यार ये सब नहीं पसंद है। ठीक है, तो मतलब मत करो यार, क्यों FCs के बीच लड़ रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो यार ये समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो फिर करण सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आए थे, ठीक है, फिर उनको DDHA का सूट था आज, तो वो चले गए। तो यार ये FCs के बीच जो लड़ाई है, ठीक है, अब जब KK ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई ये सब जो कर रहे हो आप लोग वो बंद करो, बिग बॉस कब का ख़त्म हो चुका है, तो अब आप अपने थोड़ा काम में भी ध्यान लगाओ, पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, हाँ पर्सनल लाइफ ये सब नहीं बोला, वो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है। ठीक है, आप उनमें उतना भी मत घुस जाओ कि यार उनको भी ऐसा लगे कि यार ये क्या है। ठीक है, तो भाई यही सब हो रहा था, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, ठीक है, करण की, हाँ, तो ये सब हो रहा है। तो भाई करण ने बोल दिया कि भाई अभी ये झगड़ा झगड़ी बंद करो, गांधी जी को याद करो, हाँ यही वाला सीन है, तो ये सब हो रहा है। तो अभी मैं ऑफिस में बैठे बैठे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अपडेट तो देनी थी आपको, तो जो रिकॉर्डिंग है जो मैंने लिंक में डाल दी है वहाँ पर सुन लेना पूरी, ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद द सिलेबस, थैंक यू। और हाँ एक बात तो बताना भूल ही गया, तेजू वार्डन बन के आ रही है अभी हमारी क्वीन। पता है कि ये सब राड़े किस वजह से हो रहे थे, हाँ
मतलब वो तो थे ही, लेकिन ये जब ये अनाउंस हुआ ना कि भाई क्वीन जो है हमारी तेजा जो वार्डन बन के आ रही है करण के साथ पार्टनर में, तभी से ट्विटर में हल्ला मचा हुआ है, हवा हो गए सब, पागल हो गए, फोमो में जी रहे सब। हाँ तो स्टे ट्यून्ड विद द सिलेबस, थैंक यू। और हाँ जो वार्डन बन के उसका प्रोमो जो भी हो वो डिटेल में आपको कल पूरा वीडियो बना के दे दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड विद द सिलेबस, थैंक यू सो मच। कि इसको पर्सनली देखो, बिग बॉस खत्म हो चुका है, ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, सब अपने अपने कामों में आगे बढ़ गए हैं। देखो कितना सब कितना अच्छा कर रहे हैं, एवरीबडी इज किलिंग इट, जो भी मेरे यू नो क्लोज हैं आप सबको देखो कितना कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सब अपनी अपनी जिंदगियों में, इतने तगड़े तगड़े काम कर रहे हैं, ये कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी है। और अब वो इसको लेके अब ये मैंने देखा ये फैन क्लब्स आपस में लड़ते रहते हैं, ये वेले हैं, इनको कोई और भी काम नहीं है। मतलब आप देखो कोई मतलब